हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल क्लासेस। ओकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने इंडिया नेपाल रिलेशनशिप देखा था और करेंट जो इश्यूज हैं, कुछ चैलेंजेस हैं और जो वे फॉरवर्ड है उसको देखने की कोशिश की थी। आज की इस क्लास में हम इंडिया और नेपाल रिलेशंस में ही एक जो है इशू देखेंगे, जो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इंडिया से रिलेटेड है, जो नेपाल स्टिल्स टुवर्ड चाइना, नेपाल का चीन की तरफ झुकाव। ठीक है, इसको हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो शुरू करते हैं। ये देख लीजिए आप, यहाँ पर ओली साहब जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं, किस तरीके से शी जिनपिंग के साथ मुस्कुराते हुए फोटो, हाथ मिलाते हुए फोटो ले रहे हैं। मतलब वो एक तरीके से इंडिया की तरफ से इनका मुंह भंग हो रहा है, या इसका जो भी रीजन है। आप यहाँ पे देख सकते हो उनके इनके एक स्टेटमेंट है, वो बोल रहे हैं कि नेपाल प्रो चाइना टिल्ट के बारे में अगर हम बात करें तो ये केपी ओली जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्या बोल रहे हैं। एंड नेपाल इज स्टार्टिंग अ न्यू जर्नी, वी हैव टू अपडेट वॉट एवर इज कंसिडर्ड आउटडेटेड, ठीक है, एंड ब्रिंग इट इन द लाइन विद द मॉडर्न एरा। कह रहे हैं कि जो आउटडेटेड चीजें हो गई हैं हमको उसको छोड़ना पड़ेगा, हम एक नई जर्नी शुरू कर रहे हैं, नई यात्रा शुरू कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि इंडिया नेपाल का रिलेशन आउटडेटेड हो गया है और हम इसके लिए अब एक नई जो मॉडर्न एरा है, आधुनिक काल जो है, उससे जो चीजें रिलेटेड हैं उनको जोड़ना चाहिए। जैसा कि ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक, नेपाल के जो हाल के वर्षों में रिसेंट ईयर जो क्लोजनेस थी चाइना के साथ उसको लेकर के देखते हैं हम कि ड्यूरिंग द लास्ट ईयर्स कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, संवैधानिक जो क्राइसिस हो गया था, जैसा कि आपने पिछले क्लास में देखा था मधेसी जो प्रॉब्लम थी वहां पे नेपाल पे, संविधान जो बनाया गया था नेपाल का जिसमें जो रीडिफाइन किया गया था बाउंड्रीज को, ठीक है, और जो स्टेट्स को और जो वहां के लोग हैं उनके मधेसी के जो पॉलिटिकल राइट्स हैं उनको जो डाइल्यूट करने की कोशिश की गई थी, तो उसी के आधार पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स था उसके बाद से चाइना ने उसका लाभ उठाया और एंटी इंडिया जो फीलिंग्स थी, ठीक है, नेपाली गवर्नमेंट और वहाँ के लोगों के बीच में, उसका लाभ उठाया और चाइना के करीब चला गया नेपाल। तो ये एक सिचुएशन बनी। अगर हम बात करें नेपाल और चाइना रिलेशंस की, तो यहाँ पे देखते हैं हम कि ये कुछ जो है ना, 2015-16 में टोटल एक्सपोर्ट जो था चाइना के साथ वो नेपाल का वो 181 बिलियन डॉलर पे था। ठीक, इन कंट्रास्ट इंपोर्ट फ्रॉम द चाइना हैज बीन ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 39% की रेट से इंपोर्ट ग्रो कर रहा था और इट रोज फ्रॉम यूएस 421 बिलियन डॉलर इन फिजिकल ईयर 2009-10 टू यूएस 1247 मिलियन इन 2015-16। 2015-16 में जो टोटल एक्सपोर्ट था चाइना का वो नेपाल के साथ 181 मिलियन, और उसके बाद से जो यूएस का ये डेटा आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप डेटा पढ़ लीजिएगा, मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूँ, ठीक है, ये डेटा ठीक है, मतलब इसको आप अपने फैक्ट्स के लिए रख सकते हैं। ठीक, 2016 में नेपाल के जो पीएम केपी ओली थे ना, उन्होंने चाइना की यात्रा की थी और 3 दर्जन पैक्ट्स और एग्रीमेंट्स और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स पे साइन किया था इन लोगों ने, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, और उसमें ये ट्रांजिट और ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट भी साइन किया गया था, जैसा कि हमने पिछली क्लास में कुछ हाइलाइट्स दिया था आपको कि ट्रांजिट रूट साइन किया जा रहा है इसके द्वारा। चाइना हैज रिसेंटली प्रोवाइडेड 3 बिलियन युआन, 3 बिलियन युआन चाइना ने प्रोवाइड कराया है नेपाल को फॉर ज्वाइंटली सेलेक्टेड 25 मेजर प्रोजेक्ट्स, दोनों एक साथ मिलकर के जो
प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया था उसके लिए, ठीक है। चाइना हैज इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन नेपाल। चाइनीज इन्वेस्टर्स हैव शोन इंटेंट टू स्पेंड ओवर डॉलर 8.3 बिलियन इन नेपाल ड्यूरिंग द नेपाल इन्वेस्टमेंट समिट कंक्लूडेड इन काठमांडू इन 2017 मार्च, ठीक है। जो चाइना के इन्वेस्टर्स हैं वो 8.3 बिलियन डॉलर वहाँ पे इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं। चाइना इज सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन टूरिस्ट टू नेपाल। ओवर 100,000 पीपुल विजिटेड नेपाल एनुअली। इतनी क्लोजनेस बढ़ रही है। नेपाल इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ, ये देखो, एशियन जो इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है, ठीक है, उसका नेपाल फाउंडिंग मेंबर है। नेपाल होस्ट द ऑब्जर्वर स्टेट्स इन द संघाई कोऑपरेशन। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में नेपाल जो है ऑब्जर्वर स्टेट है। की चाइनीज प्रोजेक्ट्स इंक्लूड्स, कौन कौन से चाइनीज प्रोजेक्ट्स वहां पे हैं कुछ, जैसे कि अपर त्रिशूली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, स्टेशन है, और ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट्स है, कंसेशनल लोन। और देखो यार, ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट के लिए कंसेशनल लोन दिया गया है चाइना के द्वारा। हमने BRI में देखा था कि कंसेशनल जो डेब्ट ट्रैप पॉलिसी है चाइना की, जो डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी है, उसमें चाइना कंसेशनल लोन का प्रयोग किस तरीके से करता है। फूड मटेरियल असिस्टेंट इन 15 बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्दर्न नेपाल। उत्तरी नेपाल के 15 जो डिस्ट्रिक्ट हैं बॉर्डर के, वहां पे खाने की चीजों के लिए भी सहयोग दिया जाता है। काठमांडू रिंग रोड, जो काठमांडू रिंग रोड है विद फ्लाईओवर, वो भी चाइना के द्वारा काम किया जा रहा है। तोतापानी फ्रंटियर इंस्पेक्शन स्टेशन प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड बाई ICDS एंड झांगमो कोदार, ये भी चाइना के द्वारा है। और ऐसे ही पोखरा इंटरनेशनल रीजनल एयरपोर्ट चाइना के द्वारा बनाया जा रहा है। तो ये कुछ चाइनीज मेजर प्रोजेक्ट्स थे वहां पे। अब ये देखो, यहाँ पे लिस्ट ऑफ इंपोर्टेंट एग्रीमेंट्स एंड MOUs जो हुए थे चाइना और नेपाल के बीच में। हमने पीछे भी इसके बारे में बात किया है और यहाँ पे फिर से एक बार देख लेते हैं। ट्रांजिशन थ्रू चाइना, वेयर चाइना हैज एग्रीड टू प्रोवाइड द तियानजिंग सी पोर्ट। जो तियानजिंग सी पोर्ट है उसको चाइना ने नेपाली गुड्स को इंपोर्ट करने के लिए, देने के लिए चाइना राजी हो गया है, ठीक है। तीसरे देश मतलब थर्ड कंट्री, जो तियानजिंग पोर्ट चाइना के ईस्ट में है, ईस्ट कोस्ट पे, वहां से चाइना जाकर के अपना नेपाल जाकर के अपना किसी तीसरे देश के साथ व्यापार कर सकता है, इंपोर्ट कर सकता है। तो ये एक ट्रांजिट रूट दिया जा रहा है उसके द्वारा, ठीक है। द प्रपोजल ऑफ द कनेक्टिविटी ऑफ नेपाल विथ तिब्बत रेल नेटवर्क। नेपाल और तिब्बत रेल नेटवर्क के लिए भी कुछ प्रपोजल वहां पर रखा जा रहा है। एग्रीमेंट ऑन इकोनॉमिक एंड टेक्निकल सपोर्ट्स इंप्लीमेंट पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, पिछले स्लाइड में हमने देखा था पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को भी बनाने के लिए MOU साइन किए गए। चाइना इस बात पर सहमत हुआ है कि जो दो रोड लिंक्स हैं नेपाल और तिब्बत के बीच में, उसको वो अपग्रेड करेगा, और इसको जो चाइनीज रेलवे है उसको काठमांडू तक और लुम्बनी तक उसका विस्तार करने वाला है, ठीक है। ये देखो, पूरा चाइना के सामने नेपाल बिछा हुआ है, मतलब चाइना क्या करेगा इसके साथ, एवरीबडी नोज। चाइना हैज गिवन नो टू ए लॉन्ग टर्म कमर्शियल ऑयल डील, एक लंबे समय तक चलने वाले कमर्शियल ऑयल डील को भी चाइना ने इसको सहमति दी है। और चाइना बिल्ड ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी, मतलब चाइना ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी नेपाल में बनाने के लिए भी तैयार है। नेपाल हैज स्ट्रक अ मेजर डील विथ चाइनाज
झुबू ग्रुप कॉरपोरेशन, ये प्राइवेट कंपनीज भी है चाइनीज की, चाइना की, और जो गवर्नमेंट कंपनी, सॉरी चाइना की तो सारी गवर्नमेंट कंपनीज हैं, जो कंपनियां हैं वो भी जो है वहाँ पे नेपाल के साथ डील करने में लगी हुई है फॉर डेवलपिंग एक 1,200 मेगावाट बुद्धि गंडकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने के लिए ये दोनों देशों के बीच में कोऑपरेशन चल रहा है। विच विल बी द बिगेस्ट हाइड्रो प्रोजेक्ट इन नेपाल, जो नेपाल में सबसे बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट होगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट है, इसको आप मतलब इम्पोर्टेंट तो सारा ही है, जब आप आंसर लिखोगे तो इसको अपने आर्गूमेंट्स के लिए लिख सकते हो, एग्जाम्पल्स पूछे जाएंगे या फिर एग्जाम्पल्स देने के लिए, अपने आर्गूमेंट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। ठीक है, नेपाल हैज स्टार्टेड एक्सेसिंग द इंटरनेट फ्रॉम चाइना, चाइना से इंटरनेट कनेक्शन भी ले रहा है नेपाल। द कॉमर्शियल ऑपरेशन ऑफ चाइनीज बैंडविड्थ प्रोजेक्ट नाउ इंस नेपाल सोल डिपेंडेंसी ऑन इंडिया, नेपाल की जो इंडिया के ऊपर एकमात्र निर्भरता थी बैंडविड्थ को लेकर के, प्रोजेक्ट को लेकर के, वो खत्म कर दिया चाइना ने। वहां से चाइना के द्वारा अब इनको इंटरनेट बैंडविड्थ मिल रहा है, और इट इज कंसिडर्ड एज ए लॉस फॉर इंडिया, और इसको जो माना जा रहा है कि इंडिया के लिए यह एक नुकसान है, दोनों रेवेन्यू की दृष्टि से भी और स्ट्रेटेजिकली भी इंडिया के लिए यह एक नुकसान है, जो चाइना का, चाइना ने जो वहां पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराई है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नेपाल क्यों चाइना के साथ जो अपने संबंध है उसको बढ़ा रहा है, क्यों नेपाल जो है चाइना में अपनी दिलचस्पी बढ़ा रहा है। ठीक है, तो नेपाल के लिए जो है ना, चाइना एक पोटेंशियल सप्लायर है गुड्स और असिस्टेंस का, वो वस्तुओं का भी सप्लायर है और सहायता भी देता है, जो कि बहुत जरूरी था नेपाल के लिए उसकी अर्थव्यवस्था में इम्प्रूवमेंट करने के लिए। जैसा कि हमने देखा कि 10 ईयर्स की इंसर्जेंसी और स्थिरता की वजह से नेपाल की जो अर्थव्यवस्था और विकास है वो रुक सा गया था, तो उसको पटरी पर लाने के लिए नेपाल के साथ चाइना का ये संबंध बहुत जरूरी है, जो गुड्स और असिस्टेंट की सप्लाई की जरूरत है। और आधा से ज्यादा जो नेपाल की पॉपुलेशन है वो बेरोजगार है, और आधा से ज्यादा अशिक्षित है। ठीक है, उसी समय जो है 30% से जो नेपाली लोग हैं वो बहुत भीषण गरीबी में रहते हैं, और इन इंटरनल प्रॉब्लम्स को, आंतरिक समस्याओं को डील करने के लिए चाइना के साथ नेपाल जो है सीरियसली बिजनेस एंगेजमेंट को अपने बढ़ाना चाहता है, ताकि वो पॉवर्टी और एम्प्लॉयमेंट जैसी जो समस्याएं हैं उससे उबर सके। ठीक है, और जो अन्य जो फैक्टर है, कारण है, उसमें भी कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो, उस जो चाइना के बीच में जो इंटरेस्ट बढ़ा है, अनदर फैक्टर टू इंक्रीज द इंटरेस्ट इन चाइना कार्ड विच मोस्ट ऑफ द साउथ एशियन कंट्रीज आर प्लेइंग विथ इंडिया टू गेन द माइलेज इन नेगोसिएशन एंड काउंटर इंडिया बिग ब्रदर अप्रोच। जो जो हमारे जो साउथ एशिया के जो देश हैं वो इंडिया के साथ जो ऐसी तरीके से लेवरेज लेने के लिए, यानी करने के लिए, माइलेज गेन करने के लिए निगोसिएशन कर रहे हैं, काउंटर कर रहे हैं इंडिया की जो बिग ब्रदर अप्रोच है, सिर्फ इंडिया पे ही डिपेंडेंट रहेंगे। ठीक है, तो उनको ये डर रहता है कि इंडिया ने उनको जो है ओवर सेट न कर ले, तो इसलिए वो चाइना की तरफ उनका झुकाव जाता है, ताकि वो इंडिया से भी बेनिफिट ले सके, इंडिया को भी एक तरीके से सतर्क रहा, इंडिया भी एक तरीके से सतर्क रहे, और वो जो है उनको ये ना समझे कि वो इस तरीके से उनको इन्फ्लुएंस में लिया जा सकता है। लेकिन अब हम देखते हैं कि क्यों जो है चाइना इंडिया को रिप्लेस नहीं कर सकता। जो सबसे मजबूत इसके लिए तर्क है ना, वो है इंडिया और नेपाल के बीच में डीप, यानी बहुत गहरा लिंग्विस्टिक और कल्चरल सिमिलैरिटी, जो भाषाई और सांस्कृतिक समानता है दोनों देशों के बीच में, वो यहाँ पे सबसे बड़ा एक रीजन है।
साथ ही रिलीजियस एफिनिटी, जो धार्मिक संबंध है, जुड़ाव है, ऐतिहासिक जो संबंध है, और जो भौगोलिक निकटता है, ठीक है, उसकी वजह से ये सबसे स्ट्रांग है कि इंडिया को चाइना रिप्लेस नहीं कर सकता। एंड फैमिली कनेक्शंस बिटवीन द नेपाल एंड इंडिया, एक तरीके से जो पारिवारिक संबंध है नेपाल और इंडिया के बीच में, हुज ट्रेड और इकोनॉमी टाइज विद द चाइना अलोन कैन नॉट एंटायरली ओवरहेल्म पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट ऑफ इंडिया एंड नेपाल इज वे अहेड टू कॉन्टेक्ट ऑन द चाइनीज साइड। तो ये बहुत बड़ा इंडिया के लिए पॉजिटिव फैक्टर है कि जो पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट है इंडिया का, जो कल्चरल टाइज है इंडिया का नेपाल के साथ, वो चाइना नहीं तोड़ पाएगा, उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है। अब कौन वहां से हान जो लोग हैं, लोग वो चाइना में आकर नेपाल में आकर के शादी करेंगे, नेपाली चाइनीज लोगों से शादी करेंगे, मतलब रोटी बेटी का जो संबंध है, रिश्ता है, वो चाइना और नेपाल के बीच में तो हो नहीं सकता है, क्योंकि लिंग्विस्टिक और कल्चरल डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है। नेपाल एक प्योर हिंदू नेशन है, चाइना प्योर जो है कम्युनिस्ट और कन्फ्यूशियस की विचारधाराओं पे चलने वाला एक देश है, और उसकी भाषा जो मंदारिन है, नेपाल की तो अपनी भाषा है नेपाली, तो ये डिफरेंसेस हैं और काफी मतलब डीप रूटेड है इंडिया के साथ उसका जो रिलेशनशिप है। वहीं जो चाइना और नेपाल का जो रिलेशन है, वो कुछ जो व्यवहारिक समस्याएं हैं उसकी वजह से सीमित है। अगर नेपाल ऑयल कोऑपरेशन और पेट्रो कोऑपरेशन चाइनीज कंपनी लिमिटेड कोई एग्रीमेंट साइन करते हैं, तो जो जो ड्यूल टैक्सेशन का इश्यू है तिब्बत में, ठीक है, उससे फ्यूल की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, जो वहां पे दोहरा कर लगता है तिब्बत में, ठीक है, नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन और जो पेट्रो चाइनी चाइना कंपनी लिमिटेड है, वो अगर कोई एग्रीमेंट साइन करते हैं, तो जो ड्यूल टैक्सेशन का जो प्रावधान है तिब्बत में, उसकी वजह से इसकी कॉस्ट काफी बढ़ जाएगी, और जो कि अभी भी उसका कोई समाधान नहीं निकल पाया है। वहीं पे जो है इंडियन रिफाइनरी जो है बरौनी में, वो केवल 374 किलोमीटर दूर है, और जो नियरेस्ट चाइनीज रिफाइनरी है वो कम से कम 2000 किलोमीटर दूर है नेपाल से। तो ये तो एक तरीके से अलग ही लेवल का हो गया, ठीक है। एज्यूमिंग चाइना सीज नो रीजन फॉर ए मैसिव ऑयल सब्सिडी टू नेपाल, इसकी वजह से नेपाल को चाइना जो है बहुत बड़े स्तर पे सब्सिडी नहीं दे सकता। दिस डिस्टेंस अलोन अलोन विल मेक चाइना फ्यूल मोर एक्सपेंसिव देन इंडिया, और इसी दूरी की वजह से ही जो चाइना का जो तेल आएगा, ठीक है, नेपाल में, वो महंगा हो जाएगा। तो ये बहुत दूरदर्शी टाइप का फैसला नहीं होगा नेपाल का, और बहुत लंबे समय तक वो चल भी नहीं पाएगा, ठीक है। और जो फैक्टर है वो है डिफिकल्ट बॉर्डर टेराइन, जो उनका बॉर्डर टेराइन टेराइन है, टेराइन मतलब होता है एरिया, रीजन, क्षेत्र, वो बहुत मतलब कठिन है। क्यों? क्योंकि वहां पर पहाड़ है इतने ऊंचे ऊंचे इंडिया और उसके बीच में, नेपाल के बीच में, और जो रास्ते हैं उसमें फ्रिक्वेंटली जो लैंडस्लाइड्स होते हैं, भूस्खलन होते हैं, उसकी वजह से जो रास्तों पे हमेशा मेंटेन करना पड़ेगा, उसको खोले रखना हमेशा जो है दिक्कत है। तो ये एक तरीके से जो बॉर्डर टेराइन्स है दोनों देशों के बीच में, उस वो भी जो है एक दोनों देशों के बीच में संबंधों में बाधा बने हुए बने रहेंगे। अब अगर हम यहाँ पे देखें वे फॉरवर्ड की बात करें, तो एक जो नजदीकी पड़ोसी के रूप में इंडिया और नेपाल दोनों काफी मतलब एक तरीके से पारिवारिक संबंधों वाला रिलेशनशिप शेयर करते हैं, और ओपन बॉर्डर की वजह से उन दोनों देशों के बीच में पीपल टू पीपल जो कांटेक्ट है वो बहुत ही गहरा है, और जो कल्चरल कनेक्शंस हैं वो भी काफी गहरा है, क्योंकि वो रोटी बेटी का संबंध, इससे बेहतर एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकता है, ठीक है।
तो और ये जो दोनों देश है ना, दे आर कल्चरल पार्टनर्स विथ हिस्टोरिक स्पिरिचुअल एंड सिविलाइजेशनल कनेक्ट्स। मतलब ये एक तरीके से ऐतिहासिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और सभ्यता की दृष्टि से भी इनके जो सांस्कृतिक संबंध है एक दूसरे से काफी तगड़े हैं। द जनरल पॉपुलेशन एंड द टू कंट्रीज हैव अ की स्टेक इन ईच अदर्स प्रॉस्पेरिटी एंड सिक्योरिटी। और दोनों देशों की जो सामान्य आम जनता है उनकी जो आपस के संबंध, जो आपस की समृद्धि है ठीक है, और जो सुरक्षा है वो एक दूसरे से काफी अच्छे से जुड़ी हुई है, मतलब बहुत घनिष्ठता से जुड़ी हुई है। तो ये इंडिया के लिए भी फायदेमंद है। आप ये सोच, ये चीजें सुन करके आपको लग रहा होगा कि बहुत ही गहरा रिलेशनशिप है, तो ऑफ कोर्स बहुत गहरा रिलेशनशिप है नेपाल का इंडिया के साथ। द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ द इंडियाज फॉरेन पॉलिसी हैज बीन द फेल्योर टू डिलीवर एंड प्रोमिसेस मेड टू आवर पार्टनर। जो हमारी फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, मतलब कमी है, वो ये है कि हम जो वादा करते हैं वो पूरा नहीं कर पाते सही से। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। इंडिया ने इसी आधार पर जो कहें अगर, तो इंडिया नेपाल में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिनको टाइम पे पूरा नहीं कर पा रहे हैं ठीक। इसकी वजह से ट्रस्ट डिफिसिट दोनों देशों के बीच में काफी बढ़ रहा है, और साथ ही जो पूरा होते हैं उसका जो गुणवत्ता होती है वो काफी खराब होती है। जैसा कि आप इंडिया में भी देखते होंगे कि इंडिया में जो ठेकेदार बनाते हैं सामान, सॉरी सॉरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी उसी लेवल पे पुअर होता है। पुल बना नहीं, उद्घाटन हुआ नहीं और बाढ़ आई और पुल बह गया। तो दिस काइंड ऑफ जो क्वालिटी से तो नहीं हो पाएगा। इंडिया नीड्स टू एड्रेस द डिस डिलीवरी डिफिसिट इन साउथ एशिया एंड इंडियन ओशन रीजन। इंडिया को ये कमी को दूर करना पड़ेगा, अपने जो जो अपने प्रोजेक्ट्स है ना उनकी सस्टेनेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी और उसकी जो टाइम पे पूरा करने की जो बात है ना, वो इंडिया को सुधारनी पड़ेगी। क्योंकि चाइना वही काम कर रहा है, चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत जो है बहुत तेजी से काम कर रहा है, और अभी तो उसने क्वालिटी भी इम्प्रूव करना शुरू कर दिया है। चाइना की बस एक ही दिक्कत है कि वो विश्वास के काबिल नहीं है। वो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी फॉलो करता है, विस्तारवादी, और कभी भी अपने इंटरेस्ट के लिए वो दूसरे देश को दरकिनार कर सकता है, उसको चीट कर सकता है। लेकिन इंडिया के साथ ये नहीं है, क्योंकि चाइना के साथ तो कम्युनिस्ट वैल्यूज है, कम्युनिज्म के वैल्यूज है, इंडिया के साथ डेमोक्रेटिक वैल्यूज चलते हैं। तो डेमोक्रेसी पर ज्यादा विश्वास होता है लोगों, क्योंकि इंडिया का एक बहुत ही पीसफुल टाइप का डेमोक्रेसी को लेकर के इतिहास भी रहा है। तो इसलिए भी इंडिया थोड़ा चाइना से निकल रहा है। लेकिन इंडिया की जो ये दिक्कतें हैं ना, डिलीवरी डिफिसिट को इंडिया को अटमोस्ट अर्जेंसी पर दूर करना चाहिए। सो इंडिया हैज टू कंटिन्यू इट्स अप्रोच ऑफ डिलीवरिंग पॉजिटिव आउटकम्स वाया वाइड रेंजिंग डेवलपमेंट असिस्टेंट टू विन द हार्ट्स ऑफ एंड माइंड ऑफ द पीपल इन श्रीलंका। ठीक है, इस तरीके से इंडिया जो काम करेगा। तो अब यहाँ पे अब देखो, नेपाल भारत मैत्री, ठीक है, कुछ हम यहाँ पे प्रोजेक्ट्स देख लेते हैं। जो नेपाल भारत मैत्री है ना, वो एक डेवलपमेंट पार्टनरशिप है, ये कोई एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक प्रोजेक्ट नहीं है, इसमें कई सारे प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व है। तो जो नेपाल भारत मैत्री है इज अ डेवलपमेंट पार्टनरशिप इनिशिएटेड बाय इंडिया एज अ हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट स्कीम। ठीक, कम्युनिटी डेवलपमेंट सामुदायिक विकास योजना के रूप में जो है शुरू किया गया था, जिसका प्रभाव बहुत गहरा पड़ने वाला है। ठीक है, और ये जो इनिशिएटिव है ये एक माइलस्टोन है दोनों देशों के बीच में, जो कल्चरल टाइज है और पीपल टू पीपल कांटेक्ट है दोनों देशों के बीच में, उसको लेकर के एक माइलस्टोन के रूप में यह काम करने वाला है। और 2018 में नेपाल भारत मैत्री के तहत जो है पाशुपति धर्मशाला का उद्घाटन किया गया था काठमांडू में, पाशुपति धर्मशाला का। नेपाल भारत मैत्री के तहत और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किए जा रहे हैं। तो चूंकि एक कम्युनिटी डेवलपमेंट
से रिलेटेड स्कीम है, तो इसमें कई सारे प्रोजेक्ट पर काम किए जाएंगे। हाल ही में दोनों देशों के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया था, जिसके तहत जो है नेपाल भारत मैत्री डेवलपमेंट पार्टनरशिप फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सैनिटेशन फैसिलिटी एट पशुपति नाथ टेम्पल। वहां पे जो है साफ सफाई के लिए एक फैसिलिटी बनाया जाएगा पशुपति टेम्पल में, काठमांडू में। तो ये भी भारत नेपाल भारत मैत्री के तहत ही शुरू किया जा रहा है। दिस फैसिलिटी विल इम्प्लीमेंटेड बाई काठमांडूज मेट्रोपोलिटन सॉरी मेट्रोपोलिटियन सिटी, जो काठमांडू के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और इंडिया हैज प्लेस टू एक्सटेंड फाइनेंशियल असिस्टेंट अमाउंटिंग आरएस 2.33 करोड़, 2.33 करोड़ रुपए का जो फाइनेंसिंग सपोर्ट है इंडिया इसके लिए दे रहा है नेपाल को। दिस कम्स अमिड द रेजिंग बॉर्डर रो बिटवीन द टू कंट्रीज। ये जो है ऐसे समय पे आया जब बॉर्डर डिस्प्यूट काफी दोनों देशों के बीच में चल रहा था। यहाँ पे देखो आप, एक तरीके से हम एक फिगर यहाँ पे शेयर किया मैंने, लैंड लॉक्ड हिमालयन किंगडम जस्ट गो अल्टरनेटिव ट्रेड रूट्स बट विल इट हेल्प। अब देखो यहाँ इंडिया ने नेपाल को ट्रांजिट रूट दे रखा है, जो कोलकाता है 714 किलोमीटर की दूरी पे है बस, और इंडिया ने विशाखापट्टनम भी दे रखा है जो 1194 किलोमीटर की दूरी पे है। नेपाल ने रिसेंटली जो ट्रांजिट रूट्स के लिए चाइना के साथ जो समझौता किया है उसमें देखो आप, तियानजिन जो है 3276 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है, लिया युंगांग 3389 बोलते हैं सारे 79 किलोमीटर की दूरी पे है, सेंजेन 3064 किलोमीटर की दूरी पे है, झानजियांग 2755 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है। तो ये इतनी डिस्टेंस पे जो ट्रांजिट रूट चाइना के द्वारा दिया जा रहा है, और अब इंडिया के द्वारा आप खुद ही देख सकते हो, कंपेरिजन कर सकते हो कि कौन सा जो है नेपाल के लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो नेपाली पॉलिटिशियंस को भी ये देखना चाहिए, समझना चाहिए कि कौन सा जो है ज्यादा बेहतर होगा। तो जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है इंडिया के साथ, वो नेपाल की ज्यादा स्ट्रांग है। अकॉर्डिंग टू द ट्रांजिट एंड ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट बिटवीन नेपाल एंड चाइना, नेपाली ट्रेडर्स कैन यूज रेल एंड रोड एक्सेस सी पोर्ट्स, चाइना टू गिव परमिट्स टू ट्रक्स एंड कंटेनर्स फेरिंग नेपाल बाउंड कार्गो एंड फ्रॉम जिगास्ते इन तिब्बत, नेपाल टू एक्सेस चाइनीज टेरिटरी फ्रॉम 6 चेक पॉइंट्स, ठीक है, 6 चेक पॉइंट से जो है नेपाल चाइनीज टेरिटरी को एक्सेस करने वाला है, मतलब व्हाट इज दिस। रोड ब्लॉक्स, डिस्टेंस एंड इशू एज नियरेस्ट चाइनीज पोर्ट इज मोर देन 2000 किलोमीटर फ्रॉम नेपाल, एंड ट्रेडर्स सेज लैक ऑफ प्रॉपर रोड एंड कस्टम्स इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द नेपाली साइड इज अ चैलेंज। नेपाली साइड में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है वो एक चुनौती है इसके लिए जो ट्रेडर्स है। तो आपने ये हमने देखा है जो चाइना की तरफ नेपाल का टिल्ट है उस वो देखा, और इंडिया जो है क्या चाइना जो है इंडिया की भरपाई कर पाएगा ये भी देखने की हमने यहाँ पे कोशिश की है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। अगर आपको इस टॉपिक में समझाए गए किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं खुद पर्सनली उसका रिप्लाई 24 घंटे के भीतर करूंगा। आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं ताकि अगर जरूरत पड़े तो हम उसमें सुधार कर सकें। आप हमसे हमारी ओकुल वेबसाइट, हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल या ईमेल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। ये सभी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर करना नहीं भूलें ताकि इनसे सभी की हेल्प हो सके।
इस सेशन में हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगले सेशन में, तब तक उकुल के साथ लर्निंग को एंजॉय करते रहें। थैंक यू सो मच।